तो भाई अभी बजे सुबह के 6 और हम जा रहे हैं सिंहगढ़। देर हो गई है, चलते। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर तोड़फोड़ वीडियो ऑफ आवर चैनल। आज भाई आपको आवाज़ बहुत ही क्लियर सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा मैंने कैमरा का अपग्रेड किया है, मीडियम और लगा दिया, तो इसके आगे ना कर ना कुरकुर कुछ भी नहीं होगा, आई होप सो। ये पहला ही टाइम है मेरा मीडियम और लगाने के बाद। बढ़िया, आई एम इन पुणे एंड आई एम गोइंग टू सिंहगढ़। अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि मुंबई बैंगलोर हाईवे पे स्ट्रेट जाके जो अपना वारजी ब्रिज आता है वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ से मैप चालू करेंगे और फिर वहाँ से मैप के थ्रू जाएंगे। इसके पहले जा चुके हैं तो वहाँ तक तो रास्ता पता है, लेकिन उसके आगे लेट्स सी क्या होता है। बाय द वे पुणे देखो पूरा 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 पटरी पे आ गया है। जो घर से काम कर रहे वही घर से काम कर रहे, बाकी लोग तो बाहर ही घूम रहे। हाईवे से राइट लेके हम लोग धायरी एरिया में है। अभी धायरी से एक रास्ता है, आई थिंक यहाँ से मुझे और कुछ 15-20 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। जो दूसरा रास्ता है वो हाईवे से 30 किलोमीटर बता रहा था। गूगल मैप जो है वो हाईवे वाला स्ट्रेट रास्ता ही दिखाता है। हम पहले आ चुके हैं तो हमने थोड़ा ट्रिक किया, हम अंदर घुस गए और फिर हमने सर्च किया सिंहगढ़ के लिए। तो अभी रास्ते से आ सकते हो कि आगे थोड़ा दूर जाने के बाद ये खड़कवासला डैम बहुत ही सुंदर लग रहा है। और भाई देखो ना व्यूज़, तो देखो कितने प्यारे हैं। सिंहगढ़ का नाम पहले गोंडाना किला था। तानाजी मालुसरे लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सिंहगढ़ एंड कॉन्कर्ड द फोर्ट। और जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तब उन्होंने कहा गढ़ आला पन सिंह गेला, और इसी सिंह की याद में इस गढ़ का नाम सिंहगढ़ रखा गया। गढ़ाचा पायथ्याला पोच लो, बाइक नहीं जायचे। यहाँ पे दो रास्ते है, एक ये जो रास्ता है यहाँ से बाइक सीधा लेके जा सकते हो आप एकदम गढ़ के नज़दीक। अगर आपको ट्रेकिंग करने का है तो ये गांव में जाता है, और गांव में जाके वहाँ पे आप अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करके ट्रेक कर सकते हो। हमने बाइक वाला रास्ता लिया, ट्रेक कभी और टाइम पे कर लेंगे। यहाँ एक टोल आता है जहाँ वो आपकी 20 रुपये पर बाइक के हिसाब से रसीद काटेगा। ये कुछ रास्ते है और हमको जाना है वहाँ पे जो दो टावर्स दिख रहे हैं वहाँ पे। ये टर्न देखो भाई साहब, किले के रास्ते वैसे काफी सुंदर है, गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। तो ये एरिया होता है जहाँ पे आप लोग गाड़ी पार्क कर सकते हो, और गाड़ी पार्किंग के साथ यहाँ पे नाश्ता वगैरह मिलता है। तो ये लोग जनरली बोलते हैं आपको कि भाई हमारे यहाँ पे पार्क कर लो और यहीं पे नाश्ता कर। तो ठीक है, हमने भी गाड़ी पार्क कर दी है, नाश्ता हो गया हमारा, और अभी हम जा रहे हैं गढ़ की तरफ। भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। अभी गढ़ के अंदर जाते ही सिंहगढ़ का मैप है, उसकी हेल्प से गढ़ एक्सप्लोर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। थोड़ा ऑफबीट कर रहे हैं, यहाँ से चढ़ने वाला है। थोड़ा मज़ा आ रहा है सिंहगढ़। सो व्हाट वी हैव हियर इज
गढ़ पे बहुत सारे खाने के स्टॉल्स अवेलेबल है। ओवरऑल सिंहगढ़ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दे आर स्मॉल स्मॉल पैचेस जो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द मैप जहाँ पे यू कैन जस्ट वॉक अप। ये सब आने के बाद गढ़ पे आपको एक कैनन भी देखने को मिलेगी, तो जो बहुत पुरानी है। लाइक यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लगा के रखे कि डोंट सीट ऑन कैनन और स्टैंड, फिर भी लोग करते ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ और एक महापुरुष वो भी आ रहे थे, लोकमान्य तिलक, उनका एक स्मारक भी बना हुआ है। एंड इसके पीछे में जो एरिया दिख रहा है ये पूरा उनका घर है, रियली ह्यूज बंगलो। अभी तक थोड़ा थक चुके थे तो नींबू पानी पी के आगे निकल गए। तो सिंहगढ़ फोर्ट के ऊपर राजाराम महाराज की समाधि भी है। अभी टाइम कुछ हो रहा है 12 हम लोग आए थे 8:30-9 बजे के आसपास, घर से निकले थे 6:30 बजे के आसपास। तब से हम लोग आराम से बहुत धीरे धीरे हर एक जगह, हर एक पॉइंट जो मैंने आज तक घुमा नहीं होगा वो सब घूम रहे हैं। नाउ वी आर एट वन मोर पॉइंट जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है रेनी सीजन में। तो अभी हमने देखा कलावंती बुरुज, ये खुला रंगमंच, ये नया कंस्ट्रक्शन है, ओपन थिएटर टाइप्स कुछ है। Somewhere here, झंझार बुरुज। भाई साहब, फुल गर्मी में काला खट्टे का आनंद लिया गया, मजे ही आ गए। पूरे खाइए जहाँ जहाँ पे टूटा हुआ है। झंझार ब्रिज के एकदम नज़दीक पहुँच गए, लेट्स सी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ये कुछ रास्ता है अभी यहाँ से, झंझार ब्रिज कड़ेलोट पॉइंट। यहाँ से शायद लोगों को फेंक दिया जाता था पहले के ज़माने में, सजा के टाइप्स में। झंझार बुरुज से आगे निकले कड़ेलोट पॉइंट, विच इज़ कड़ेलोट पॉइंट, और एक ऐसा पर्वत टाइप्स पे आगे। तो वहाँ से जो सीन है वो कुछ ऐसा है, वो झंझार ब्रिज। फिर हम आए अमृतेश्वर मंदिर जहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे इतनी तो जगह है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आराम से बैठ के खाना खा सकते हो। फिर हम निकले तानाजी मालूसरे वाले मॉन्यूमेंट की तरफ जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ एक अंकल मिले जिन्होंने इस जगह की पूरी हिस्ट्री बताई, बट अनफॉर्चुनेटली वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पूरी जगह देखने के बाद हम निकल पड़े, फिर निकले झंझार दरवाजा की तरफ। तो हम लोग आए थे पुणे दरवाजा से जो समवेयर देयर है, बराबर दिखा रहा हो क्या? और अभी लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, पूरा घूम के ऐसे गढ़ को पूरा प्रदक्षिणा हुआ है। थोड़ी देर में अब कल्याण दरवाजा जाएंगे। कल्याण दरवाजा का एंट्रेंस और एग्जिट बोल सकते हैं।
अच्छा हम आए जहाँ पे घोड़ों को रखते थे, मराठी में इसको घोड़ेंची पागा बोलते हैं, और कुछ जगह ऐसी है पूरा पत्थर में कावा होता है, और यहाँ पे अलग अलग गुफाएं, और ये पूरा इतना एरिया अंडरग्राउंड एरिया है जहाँ पे घोड़ों को बांध के रखते थे। चलेगा गूगल फोटोज का भी। सिंहगढ़ घूमते घूमते थक चुके थे और रास्तों में काफ़ी फूड स्टॉल दिख रहे थे, तो भूख भी लग चुकी थी। खाना तो ज़रूरी है ना, तो अपन खा रहे पिटला भाकरी जो सिंहगढ़ का बहुत फेमस है, और उसके साथ में रहता है कर्ड बटर मिल्क, तो ये सब चीज़ें खाने वाले अभी। और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वो जगह कुछ ऐसी है, चटाई लगा के मस्त पे की चटाई लगाया हुआ है, फैला दिया है। खाना ख़त्म होते होते शाम हो चुकी थी, तो वीडियो में अभी भी टाइम लैप्स की कमी थी। With this awesome view, we are about to end this video. I hope you guys might have liked it. Do let me know in the comment section कि आपको ये video कैसे लगा। If you like, do like, share with your friends and family. And if you haven't subscribed yet, so subscribe कर लो, क्योंकि ऐसे ही अच्छी videos मैं लाता रहूँगा। Thank you. Bye bye. Finally, इस दिन का end हुआ ये खूबसूरत sunset के साथ खड़कवासला डैम पे। सोचा आपको भी दिखा दूँ।